Reach your destination by 3:04. जुले सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो? होप आप लोग खुश और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा, अभी सीएनजी भर के वो पेट्रोल बोल सकते हैं, सीएनजी गैस है। सीएनजी मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस है जो कारों में यूज़ होता है। वो भर के अभी जस्ट पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो अभी IGAI दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुँचा हूँ। अभी आज है 9 तारीख, तो निकल रहा हूँ घर वापस। तो स्पाइस जेट का मेरा फ्लाइट है 6 बजे है, तो मैं तो हमेशा पहले ही आ जाता हूँ भाई। दो घंटे पहले तो पहुँचना होता है, मैं तो हमेशा 3 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। तो बाकी देखता हूँ, चेक चुक करा के सब फिर अंदर मिलते गए। ठीक है, अभी थोड़ा मुश्किल और उठाना है इसे। एक छोटा सा ये ट्रॉली जा ले लिया भाई मैंने, इसमें लेके जाऊँगा तो आसान रहेगा। तो अभी कबूल को बहुत बड़ा चरखा है भाई, गेट नंबर 4। अच्छा, यहाँ से बोर्डिंग पास में निकल सकता भाई। फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कैसे निकालना है, सीधा अंदर से ले लूँगा बोर्डिंग पास। तो इसके अंदर से सामान निकाल लेता हूँ अपना। गड़बड़ हो गया, मैं तो टर्मिनल 3 सोच रहा था, इस पर टर्मिनल 1 है। तो अभी फिर से मुझे यहाँ से वापस जाना है। मैं लिफ्ट में बैठ चुका हूँ। वो बोला भाई, सिक्योरिटी वाले भाई बोला नीचे ज़रूर ग्राउंड ज़ीरो पे जाने का है। अभी ज़रूर दबा देता हूँ, ये लो जी, ज़रूर दबा देता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से बस मिलेगी टर्मिनल 1 के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई 2-3 घंटे पहले आ जाओ, गलती तो मेरा है, सब कुछ दे के आना चाहिए था। अभी तो खैर जो भी हो गया, टाइम है, यहाँ पे बस तो आएगी कहीं ना कहीं। मैं एक बार ऐसे चेंज किया था मैंने, तो यहाँ से आपको मिलेगी भाई शटल बस। अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट हो तब भी यहाँ पे आपको चेंजिंग यहीं से मिल जाएगा। अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं हो, आप गलती से T1 या T3 में आ गए, या T3 से आपको जाना है T1 में, तो इधर आके आपको नीचे लिफ्ट में ग्राउंड ज़ीरो पे पार्किंग के पास, ये देख रहे हो, इधर आके आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे शटल बस, जो फ्री में चलेगा, डायरेक्ट आपको लेके जाएगा टर्मिनल 1 में। अब बात यह कि अभी आ ही नहीं रहा वहाँ से, बस कोई दिखाई भी नहीं दे रहा भाई। बेटे ऐसे तो टाइम हो जाएंगे भाई, लगभग 3:30 तो हो रहा है अभी, फिर भी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अपने पास 2 घंटा है। इतने में तो हो जाएगा, मैं फटफट से कर लूँगा सब कुछ भाई। लेकिन आए तो बस भी तो नहीं आ रहा है यार, बड़े दौड़े दौड़े आए हूँ। अभी तो टाइम तो है, लगभग 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा है भाई। तो ऊपर से जो बस जो था ना, शटल बस, उसमें से 25 रुपये ले रहा था, मुझे लगा फ्री था चले, वो फ्री नहीं था, 25 रुपये। वो ऊपर से दोनों ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नशे में था, दारू पी के गाड़ी जैसे चल रहा था, जैसे कि पता नहीं क्या चल रहा। खैर पहुंच गया, जो भी हो गया यार, मतलब आज तो यार फ्लाइट छूटते छूटते बच गया। तो कुछ नेपाल का एयरपोर्ट जैसा लग रहा भाई, ऊपर जाना पड़ेगा भाई। मैं तो घूम ही जा रहा हूँ मैं तो भाई, थोड़ा बच गया, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस ने फ्लाइट भी हार्ड अदर पानी में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, आप लोग गलती मत करना भाई। 42 अपना वो सामने है, तो अभी कुछ खाते पीते के लिए चलते हैं। देखो भाई, नीचे आने के लिए तो उन्होंने नीचे एक एलिवेटर दे दिया, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी। क्या यार, अभी अपन को बहुत प्यास लगा भाई, इतना दौड़ दौड़ के गला सूख गया। एक पेप्सी थम्स अप ले लिया। तो बस फिलहाल मैं मोमोज खा रहा हूँ, बहुत बड़ी भूख लगी थी, खाने को कुछ है नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि जो भी ऊपर वाले जो था ना, जहाँ पे शॉप्स थे वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर डोसा वसा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा था, वो तो मैं खाई नहीं भाई। तो
तो अभी फ़िलहाल नीचे आया हूँ, यहाँ पे मोमोज़ खाए मैंने। मोमोज में सोचा ठीक नहीं होगा, अच्छा है, 5 पीस दे रहा है, 200 रुपया का है, अच्छा मोमोज है, टेस्ट है भाई। तो भाई ये अपना जहाज बड़ी मुश्किल से पहुँचे, मुझे तो लगा भी ये आज भी गयो। तो ये वन है जो सामने आया, तो उधर घूमते घूमते बड़ा मुश्किल से आया तभी मैं तेलू से दादी जी लास्ट में। आपका सीट नंबर 4E है, ट्रॉफी नंबर सीट है, यहाँ से मिडिल सीट। पहली बार मस्त वाला विंडो मिला भाई। तो फिलहाल गाइस मैं ना जैसे कल आया था, नेक्स्ट डे आज, कल तो मैं जैसे सुबह आया था यहाँ पे लगभग 7:30-8 बजे मैं रूम में पहुँच गया था। लंच खाने के लिए उठा था, उसके बाद मैं सोया, पड़ा रहा बिस्तर में। 10 तारीख आज है, आज भी मैं अभी 10-11 बजे तक सोया, अभी उठ के लंच के लिए देखा था। इस बार थोड़ा सा स्नो अच्छा दिख रहा था, लेकिन बड़ा ही मस्त था सर, बड़ा ही मस्त। और जो सनराइज वाला जो व्यू था ना उसका तो पूछो मैं, इतना मस्त था ना गाइस। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप जाओ विंडो सीट ही लो, विंडो सीट लेने का अपना अलग मज़ा है। सांस भी ऐसा लगता है ना, ऐसा लोगों ने फील किया होगा जैसे ही आप यहाँ ले वाले एयरपोर्ट में लैंड करोगे ना, आपको ऐसा जो कुछ अपने छत या सर के ऊपर से कुछ निकल गया ऊपर, ऐसा फीलिंग आ रहा था गैस। तो और इतना खुला खुला महसूस करते हैं यहाँ पे, ये वाला मस्त मस्त। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से गाइस, वो है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से मैंने 10th पास किया। पहुँचे हैं लद्दाख गेट, ये है गाइस लद्दाख गेट, इसको कितना लद्दाख गेट कितना मस्त बना हुआ। नहीं वो जो सामने जो गाइस देख रहे हो आप लोग पहाड़ के ऊपर जो बड़ा सा बिल्डिंग, वो एक पैलेस है, उसे हम कहते हैं नमग्याल पैलेस, द ग्रेट किंग सिंगे नमग्याल का पैलेस है। और जिनका स्टैचू आपको है ना वो नीचे एक चौक पे देखेंगे जो घोड़ों के ऊपर बैठे, ये वो चौक है गाइस जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, महाराजा सिंगे नमग्याल चौक इसको बोलते हैं। वो सामने जो स्टैचू देख रहे हो ना आप घोड़े के ऊपर, हाँ वो उनका स्टैचू है। ये मतलब एक ऐसा लैंडमार्क है, अगर आप लद्दाख में आते हो, अगर आप घूम जाते हो आगे पीछे आपको रास्ता भटक जाते हो, तो किसी से भी पूछ लेना पेट्रोल पंप वाला चौक कौन सा है। अपना काम तो निपटा के आ गया, अभी मैं चलता हूँ रूम पे। तो गाइस होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगेंगे,
अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना जो लोग भी चैनल में न्यू आ रहे भाई, और बेल बटन दबाना मत भूलना, उससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा भाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यो यो स्कूल गुनी श्रीपाद मेरे गेट में छे फरवरी बड़ा बेस है अच्छा बस जो देर अच्छा हाजिर है ना अच्छा हाजिर ना हाजिर से जा कोई नहीं ना तेरे था बेल बटन दबा लेना जो लोग भी चैनल में न्यू आ रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो ठीक है गाइस, कल फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, और अपने आड़ोस पड़ोस का सब सफाई रखना। बाय बाय।